क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार से, क्या बताना चाह रहे हैं? जी, सरकार से बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाह रही हूँ कि हमें वेतनमान मिलना चाहिए। हम टेट पास शिक्षक हैं और वेतनमान हमारा अधिकार है। हमने आपको वोट देकर आपको इसीलिए इस सत्ता पे लाया था कि आप हमें वेतनमान देंगे। आप भी बार बार हमें वादा करते थे, सरकार भी हमसे वादा करती थी, और आज वादा से हटने का तो कोई जगह ही नहीं है। उनको वेतनमान देना चाहिए निश्चित रूप से। जी सर, सबों के धरना प्रदर्शन से मतलब नहीं है। सरकार के लिए भी परीक्षा थी। आज जो टेट परीक्षा जो है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो सरकार की द्वारा ली गई परीक्षा है, और उस परीक्षा का स्तर कहीं ना कहीं बहुत ऊँचा होता है, और उस टेट परीक्षा को हमने पास किया है। तो सरकार का फर्ज होता है, हमने आपके परीक्षा में पास हुआ तो अब आप उसके बाद जो वेतनमान मिलना चाहिए वो वेतनमान दीजिए। निश्चित रूप से जायज इस मायने में है कि उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करते ही हम सहायक शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। योग्य हो जाते हैं जी, वेतनमान के योग्य हो जाते हैं जी, बिल्कुल। सहायक शिक्षक जो है वो वेतनमान पाने के योग्य है, और इसी सर्टिफिकेट से हमारे बहुत सारे साथी 2013 में पास साथी वेतनमान पा रहे हैं। क्या वो उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा में का क्वालिफाई नहीं किया था? जी, उनसे कोई परीक्षा नहीं ली गई, उनसे कोई परीक्षा नहीं ली गई। जो टेट सर्टिफिकेट है वो उनके पास था। फॉर्म है उसमें लिखा रहता है साफ तौर पर कि ये नौकरी के लिए मान्य नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नौकरी के लिए ये मान्य नहीं है, लेकिन हमारे साथी तो नौकरी में आ चुके हैं ना। क्या उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा नहीं, उन्होंने फिर और कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं करते दी है। गया लेते गया। जी, ये बताइए अब जो आप आंदोलन कर रहे हैं, लगता है कि हेमंत सरकार आपकी बातों को सुनेगी? एकदम माटी के पुत्र हैं, इनका फर्ज होता है। हम लोग भी कोई बाहरी नहीं है, मतलब हम लोग ना उड़ीसा से आए हैं, ना पश्चिम बंगाल से आए हैं, ना हम लोग उत्तराखंड से आए हैं, हम लोग भी इसी माटी के हैं। चार साल पूरे होने वाले हैं सरकार के, लेकिन अब तक आपकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो क्या लगता है कि एक सालों में विचार कर लेंगे? नहीं, विचार करना चाहिए इनको, एकदम सहानुभूति पूर्वक उनको विचार करना चाहिए। नहीं करेगी तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, उग्र आंदोलन। सरकार की जितनी भी मुलाकात हुई है, छोटी छोटी मुलाकातें हुई है, तो सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि हम आपको नहीं देंगे, तो हम लोग आशान्वित हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि हाँ, हमारे लिए काम हो रहा है। परिचय? जी, मेरा नाम अनीता महतो, मैं प्रमंडलीय अध्यक्ष हूँ। मिल जाती है तब तक धरना पर बैठेंगे। सरकार से इस विषय पर कुछ बातचीत हुई है? बिल्कुल, बातचीत हुई है। दीपिका सिंह पांडे से बात हुई है, हमारी अंबा प्रसाद से बात हुई है, आपके विनोद सिंह से बात हुई है, इरफान अंसारी से बात हुई है, अभी कल ही हमारी मुलाकात प्रदीप यादव से हुई है, विधानसभा अध्यक्ष से हुई है, KN त्रिपाठी, धर्मेंद्र तिवारी, तमाम लोग, लोबिन हेम्ब्रम, तमाम लोग, उमाशंकर अकेला, तमाम लोग हमारे धरना स्थल पर आए हैं, आश्वासन दिए हैं कि भाई 5 तक हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं, 5 के बाद आपके मांगों पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे और समाधान की है। सरकार बनाने के लिए 57 को जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो विधायकों से होती है। विधायकों का अगर मान है, उनका मानना है कि भाई इनकी मांग जो है जायज़ है, और उन्होंने विधानसभा पर भी उठाया है, आपके अंबा प्रसाद जी, रामचंद्र सिंह जी, विनोद सिंह जी, माले विधायक, तमाम लोग जो सरकार को समर्थन करते हैं विनोद जी, वो तमाम लोगों ने विधानसभा में उठाए हैं, दीपिका सिंह पांडे जी उठाई हैं, निश्चित तौर पर कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलना चाहिए। और ये हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा है कि टेट पास को वेतनमान मिलना चाहिए। ये इन्हीं के द्वारा चयनित महाधिवक्ता का कहना है कि टेट पास को वेतनमान मिलना चाहिए, मेरा कथन नहीं है। बनाए गए कमेटी के अनुशंसा के आधार पर वेतनमान मांग रहे हैं, सरकार के द्वारा लिया गया महाधिवक्ता के लिखित परामर्श के आधार पर वेतनमान मांग रहे हैं। अन्य राज्यों में जिस तरह से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को एडजस्ट किया गया है, वो एडजस्टमेंट के आधार पर, उनके आधार पर हम वेतनमान मांग रहे हैं कि भाई वहाँ एडजस्ट हो सकती है, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, दूसरे लोग तो 1000 के मानदेय में आपको पढ़ाने नहीं ना आए थे, हम थे ना उस समय, शिक्षा का स्तर बढ़ाने में पारा शिक्षकों का योगदान रहा था ना, दूसरे अभ्यर्थियों का तो योगदान नहीं ना रहा था, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमको मिलनी चाहिए ना, अन्य को नहीं मिलनी चाहिए। आज अगर आपके 50,000 सीट आपने क्रिएट कर लिया, तो 50,000 सीट में जो हमारा आरक्षित सीट है, जिसको हमको राज्यपाल महामहिम के द्वारा हमको आरक्षण मिला है 50% का, हमको दीजिए, आप एडजस्ट करिए, एडजस्ट करने में दिक्कत कहाँ है? उस आरक्षण सीट में आप परीक्षा देना क्यों नहीं चाहते? परीक्षा हमने दे रखा है ना, सरकार ने कहा, NCT का गाइडलाइन आया
कि नहीं भाई शिक्षक बनने के लिए आपको जो है ट्रेनिंग करना होगा, टीचर्स ट्रेनिंग करना होगा। हमने टीचर्स ट्रेनिंग कर लिया। नेक्स्ट उन्होंने एक और गाइडलाइन लाया कि भाई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिए। अब अगला को परीक्षा इसलिए देना है क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है, हमारे पास अनुभव है, हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि आपने कहा क्वार्टर फाइनल खेल लिए, सेमीफाइनल खेल लिए, तो फाइनल खेलने में क्या? फाइनल खेलने के लिए भी तैयार है, वही तो फाइनल है। 50% सीट पर सीधा समायोजन, वही फाइनल है हमारे लिए। फाइनल वही है, डायरेक्ट फाइनल का वो आप वो दूसरे के नज़र में डायरेक्ट हो सकता है, हमारे नज़र में नहीं। हम ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं। हम अगर इस परीक्षा प्रणाली से गुजरेंगे भी, अगर बाय दी बाय हम किसी तरह से फिसल भी जाते, तो फिर भी तो हम विद्यालय में पढ़ाएंगे, फिर भी तो हम नौनिहालों को शिक्षा देंगे, तो उस समय आपकी क्वालिटी एजुकेशन कहाँ जाएगी? सवाल ये है कि वर्तमान में एक सवाल है जो थोड़ा कठिन है। आप लोग वेतनमान मांग रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन जो झारखंड की शिक्षा प्रणाली है वो बेहद ख़राब है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लगता है कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए एक कथन है, शिक्षक अगर सूखा रूखा रहेगा तो ज्ञान का सागर जो है सूखा रहेगा। इसी तरह हम लोग बराबर अगर आंदोलनरत रहेंगे, बराबर अगर हमारी एक होती है ना, हम बराबर अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए चिंतित होंगे, हमारा भविष्य की सुरक्षा वो कर दे, गारंटी दे दे, बिल्कुल शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट है, सरकार भी अच्छी अच्छी पॉलिसी लेकर के आए जिस पॉलिसी से जो है क्वालिटी एजुकेशन डेवलप होगा। क्योंकि आप देखेंगे पिछले कई सालों से जो है सिलेबस जो है वो एक तरफा सिलेबस चल रहा है, 1-5 में उसी तरह का सिलेबस चल रहा है। बदलाव करनी चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल के जैसा हमको, कन्वेंट विद्यालय के जैसा हमको शिक्षा देना है, तो कन्वेंट स्कूल में जिस प्रकार का सिलेबस है, जो उसकी जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम का आप क्यों नहीं लागू करते हैं? आपको लागू करना चाहिए, बट आप कथन कह देने से थोड़े होता है, आपको करना भी पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है, प्री प्राइमरी एजुकेशन आपके कन्वेंट विद्यालय में मजबूत होता है। वो जो है LKG KG पढ़ करके वन में जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चा ऑलरेडी फर्स्ट प्रथम बार में विद्यालय चले आते हैं, उनको क ख ग घ की कोई जानकारी नहीं होती है। ये अंतर है। सरकार को कहना नहीं चाहिए, करने की भी आवश्यकता है। हमारी भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी करिए, हमारे साथ बैठिए। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में माननीय दिवंगत शिक्षा मंत्री जी ने एक बैठक रखा था कि शिक्षकों के जो विषय है उस विषय के भी रखिए, और जो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा इसके लिए भी जून महीना में उन्होंने बैठक किया था। हमने वहाँ प्रस्ताव दिया था कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को आप मजबूत करिए, और शिक्षकों की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उस समस्या को पूरा करिए, शिक्षा का स्तर निश्चित तौर पर बढ़ेगा। सिलेबस को आप चेंज करिए, पाठ्यक्रम को चेंज करिए, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, जवाबदेही तय करिए। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आप, क्योंकि वेतन मान जो है नहीं होने के कारण आप बढ़िया से शिक्षा नहीं दे पा रहे, आप ये बताइए कि आप कितना साल से पढ़ा रहे हैं, और जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके विद्यार्थी जो है कभी भी 60% नंबर लाए हैं? बिल्कुल लाए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुमारडीह झालबरदा मेरा है, चंदन क्यारी मेरा ब्लॉक है, जिला बोकारो, उसके जो विद्यार्थी रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो है, हमारा इंस्पायर्ड अवार्ड जो होता है, जो एक मानक होती है, उसमें हमारा राज्य स्तर पर हम लोग चयन हुआ है। आरती कुमारी मेरा छात्रा का नाम था, और रघुवर दास जी के द्वारा जो है उसको पुरस्कार भी दिया गया था। आपके जो हमारे वर्तमान में आपका शिक्षा DO है, DO थे हमारे महीप सिंह, अभी जैक के सचिव थे कुछ दिन पहले, वहाँ DO थे, उनको भी, उनसे भी पूछ लिया जाए। हमारा बराबर से, हमारा जो ग्राफ रहा है शिक्षा का, बराबर अच्छा रहा है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति, मेधा छात्रवृत्ति जो है, हमारे विद्यालय से लगातार 10-12 छात्रा जो है बराबर उसमें पास होते हैं, और मेधा छात्रवृत्ति का लाभान्वित होते हैं। मांग नहीं है, वेतनमान में सारे मांग हमारा समाहित है। हम वेतनमान चाह रहे हैं, वेतनमान इसलिए चाह रहे हैं कि भाई 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को अगर बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे तो हमारा भी तो भविष्य का गारंटी होनी चाहिए ना। ये गारंटी कौन लेगी? अगर सरकार हमको बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हमको गारंटी दे करके रखा है, तो मेरा भी भविष्य का गारंटी सरकार को लेनी है। ये इसी मांग को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं, और सरकार को भी आपको सवाल करना चाहिए कि जब ये लोग बैठे हैं तो इनकी मांग अगर डिमांडेबल है तो इनको देने देर क्लियर करिए, नहीं है तो इनको उठा के भगा दीजिए। बिल्कुल है, आप उच्च स्तरीय कमेटी का बैठक करिए, अगर मेरा दस्तावेज सही है, मेरे अगर तर्क सही है, साक्ष्य सही है, तो हमको दीजिए, नहीं है तो आप घोषणा कर दीजिए कि नहीं मिलेगा। अब हम उठ करके चले जाएंगे, बच्चों का भविष्य सुधरेगा, हमारा भी समय जाया नहीं होगा। लेकिन सरकार को भी आपसे सवाल पूछना चाहिए ना कि इतने दिन से बैठे हैं, सरकार संज्ञान ही नहीं ले रही है, सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, सरकार की प्राथमिकता डुमरी उपचुनाव है, सवाल तो उनसे भी होनी चाहिए।